अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूं। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वालों से ये कहूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो आप रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इस रेसिपी में हमें 2 अदरक के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो 2 इंच के हैं, 10 से 12 गार्लिक क्लोव्स हैं, 1 मीडियम साइज की अनियन है, 1 तेज पत्ता है, 10 से 12 ब्लैक पेपर है, 1 बड़ी इलायची है, 1 सेरेमन स्टिक है, साइज आप देख रहे होंगे, 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट है, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर है, 1/2 केजी चिकन है, वॉश कीवी, 1/2 सॉस है, सिरका है, रेड चिली सॉस है। इन तमाम सॉसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 4 टेबल स्पून कैबेज है, 1 कप कॉर्न है जिसे थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के साथ डिजोल्व कर लिया है, 2 एग हैं जिन्हें 1 पिंच कलर के साथ बीट कर लिया है, 6 मग पानी के हैं जिसे पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो चुका है तो फिर इसमें चिकन ऐड करनी है। 7 ही सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। जिंजर जाएगा, गार्लिक के क्लोव्स ऐड करने हैं, अनियन जाएगी इसमें, तेज पत्ता, 1 पेपर, 1/2 इलायची, सेरेमन स्टिक, 1 कैबेज, 1 salt और 1 white pepper। इन सारे इंग्रेडिएंट को डालकर पकाना है 1/2 आवर के लिए। मिक्स कर लेंगे और फिर लिड लगा देंगे। यहाँ ये देखिए 1/2 घंटा हो चुका है और चिकन पक चुकी है, तो फिर इसे बाहर निकाल लेंगे और साथ ही गरम मसाला निकालेंगे, साबुत गरम मसाला और अनियन। अब चिकन को श्रेड कर लेंगे और फिर अगेन सूप में इसे ऐड कर लेंगे। सूप को पकने देंगे। कुक हो रहा है इस वक्त सूप और अब ग्राइंड किया हुआ कॉर्न जाएगा इसमें। के बाद कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे। स्पून को चलाते जाएंगे और साथ ही अब एग इसमें जाएगा। एग डालते टाइम भी स्पून को चलाना है। यहाँ पर सूप ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे
और साथ ही सॉसेस ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं, सिरका, एंड देन सोया सॉस। इन सबको ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। सूप बन के रेडी है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।